अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मूसा अहमद और मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ। आज जो है कुछ हम डिफरेंट करने जा रहे हैं। दो लड़के हैं ऑस्ट्रेलिया के, सेवंथ एरा और नॉर्थ बॉर्डर्स, ये दोनों ये काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो हम जो पैटर्न उनका वीडियो बनाने का है, जो उनका फ़ोटोग्राफी का है, वो हम करने वाले हैं। उसको कहते हैं POV फोटोग्राफी, पॉइंट ऑफ व्यू फोटोग्राफी। तो मैं और फिजान जा रहे हैं आज पिंडी बाईपास, जिसको फिजान तू क्या कहता है, पिंडी राहदारी फिजान ने उसका नाम रखा है। तो अभी हम निकलने लगे हैं, तो आप जो है वो इसी व्यू में देखेंगे पूरा जो सीन होगा, जो सीन चल रहा होगा, और हम दूसरे कैमरे से जो है वो उसकी फ़ोटोग्राफी करेंगे, ताकि जो है वो ये पता लगता रहे कि फ़ोटोज़ कैसी आती हैं। बेसिकली ये फ़ोटोग्राफी POV फोटोग्राफी की है, जो कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। तो अभी चल रहे हैं हम पिंडी राहदारी पे, गुजरांवाला की पिंडी बाईपास पे, तो फिर मिलते हैं वहाँ पे। जी तो हम उस बाइक पे बैठ गए हैं जिसकी किक नहीं है, और वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्ट नहीं होती, वो सेल्फ स्टार्ट होती। ओ इसकी लाइट किधर है, थैंक यू फिजान जी। अब हम जा रहे हैं पिंडी अगली, ये लोग इस तरह नहीं है, वो ही तो नहीं ऊपर। हाँ जी, तो अब हम निकल पड़े हैं पिंडी राहदारी की तरफ। ये आप GS की लाइटें ज़रूर देख लें, वरना फिजान मुझे मार डालेगा। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं पिंडी बाईपास क्रॉस करके। ये हैं फिजान भाई, फिजान अभी अंधेरा है वैसे। अच्छा तो जो पिंडी बाईपास है वो बड़ा दही बल्ले वाला सीन है, वहाँ सीधा शॉर्ट कोई नहीं आ रहा। अभी हम बाईपास जो है वो क्रॉस करके आए हैं, एक ये आयरन ब्रिज बना हुआ है, ताकि हम कोई लॉन्ग एक्सपोजर या कुछ इस तरह वाली जो है वो शॉट ले सकें। सेंटर में देखते हैं कुछ इस तरह का व्यू है। ये व्यू है, ओह ये व्यू, सेंटर में तो पाए पाएंगे। हाँ चल निकाल के, तो फिजान अब आप नजर आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान गुजरांवाला में POV फोटोग्राफी हो रही है? पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या होता है। गुड, पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं क्या होता है। तो अब हम पिंडी बाईपास क्रॉस करके, ये जो कैमरा है ना, चूंकि मूसा ट्राइपॉड नहीं लेकर आए, ये बताना हर बार जरूरी नहीं होता, ये कैमरा हम रखेंगे यहाँ। ओए खुदा का नाम ले यार, प्लीज यार। हाँ चल रख ले, कोई बात, सफाई मैं ऊपर बैठ गया अच्छे से करूँगा तो सफाई होगी। सफाई नहीं, आपने बस पकड़ के रखना कैमरा, नीचे ना जाए। नहीं नीचे नहीं जाता, नीचे से उतारा हुआ है ना हमने, बड़ा सीधा पुल बनाया हुआ है। ये देखें जी, पूरा सीधा पुल बना हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो बैलेंस जो है वो बिल्कुल जेन्युइन बना हुआ है। जी हमारा पहला शॉट आया है, लेकिन मुझे लगता है सेंटर में नहीं है, क्या इसको 10 से ज़्यादा करना। तो यार अभी हम लॉन्ग एक्सपोजर की ट्राइयां मार रहे हैं,
अभी मैं जरा माइक सेट। नाइस वन मोली, बाय कर लेते हैं और तो 10 कम करूं। तो ये हमारा जी पहला स्पॉट था, यहाँ से हमने दिखाता हूँ मैं आपको भाई, ये फोटोग्राफी के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। ये जो है कैंट वाली साइड से रोड आ रही है, तो अभी हमारा है लॉन्ग स्पोयर कैप्चर कर रहा है और उसको प्रोसेस कर रहा है। अभी हम देखेंगे हमारा शॉट बड़ा जबरदस्त आ जाएगा और आ गया है। दिस इज अ गुड वन। अभी हमारा जो है वो जो गुजरा वाला इस साइड पे है और कैंट इस साइड पे है, तो हमने इस साइड पे कैमरा रख के देखे। लो जी इधर हमने लॉन्ग एक्सपोजर ले तो लिया, लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा। अब हम एक वैसे ही इधर से फोटोग्राफी करके देखते हैं। अभी हम जो है वो अपने कैमरे की कर रहे हैं सेटिंग, एफ स्टॉप बढ़ाएंगे, कम करेंगे और थोड़ा सा ISO बढ़ा लेते हैं। 250 ISO कर रहा हूँ मैं। और बेसिकली जो POV फोटोग्राफी है वो ये है कि लोग किस तरह से उस एरिया में पर्टिकुलरली हिलजुल रहे हैं, या जो है वो ISO थोड़ा सा और हम बढ़ा सकते हैं और एफ स्टॉप जो है वो हम 1.8 पे कर रहे हैं। अब इसको ट्राई करते हैं, बैलेंसिंग चेक करें, फोकस सेट करें, खड़ा इधर भी लेके देखें। हाँ दिस वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अपना बैलेंस चेक कर लें। हाँ मौलवी ठहर जाओ जरा, एक बंदे के बगैर थोड़ा और पीछे आ। ये अभी मैं एक और शॉट लेने लगा हूँ, बैलेंस किया थोड़ा। अब एक लो एंगल से देखें, मैंने पढ़ा है कि लो एंगल से जो है ना अच्छी फोटोज आती हैं। यार भाई लोगों, वो फिर ये वाली लाइट जा रही है ना, जो ये इधर ये वाला एक सीक्वेंस आ रहा है, ये वाला जो है ना ये जा रहा है अंदर का से ना। तो यार ये था हमारा पहला स्पॉट। जाहिर है अभी हम पहली दफा ही ये काम कर रहे हैं। अब चलते हैं इसी पिंडी बाईपास वाले एरिया की दूसरी लोकेशन पे। POV पॉइंट ऑफ व्यू फोटोग्राफी का कोई रूल अभी तक डिफाइंड नहीं है। हाँ आप खुद सेट कर सकते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू फोटोग्राफी जब आपने करनी है तो स्पॉट चूज करके एक पर्टिकुलर जो है वो चीज़ को कैप्चर करना है, लाइट को कैप्चर करना है, किसी ब्रिज को कैप्चर करना है, या किसी रोड को, कार्स को, या जो भी ऑब्जेक्ट आपने एक स्पेसिफिक किया हो। लेकिन एज अ रूल कहीं नहीं लिखा हुआ कि पॉइंट ऑफ व्यू फोटोग्राफी में आपने इसको ही कैप्चर करना है। आप सिमेट्री लाइंस देखें, रूल ऑफ थर्ड देखें। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है तो इसके बारे में YouTube पे बे इंतहा इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सॉरी फिजान, एक्चुअली ये फिजान की बाइक है आज तो चलाते, ओ सॉरी किक नहीं होती इसमें, मैं बार बार बेशरम हो, जो बेशरम नहीं हो सकता ना
वो ना यूट्यूबर बन सकता है, ना कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, ना वो फोटोग्राफी खींच सकता है, फोटोग्राफर बन सकता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी कई बैरियर जो है ना वो तोड़ने पड़ते हैं और बॉर्डर पार जाना पड़ता है। उसकी लाइट पूरी आ जाए ना बड़ा मजा आएगा, एक पूरा सर्कल बनना चाहिए। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग दिस इज अ गुड शॉट, ये चेक करें। yes. इस तरह का कुछ और आईएस से चेक करें, आईएस 200 ठीक है। ये चेक करें, ये हमने बैलेंस किया शॉट और शॉट ले लिया। लाइट कम आ रही है, यहाँ लाइट कम आ रही है। तो यार ये दो स्पॉट हुए हैं हमारे, बैटरी नहीं है तो अभी हम वैसे ही फोटोग्राफी करेंगे। आपको फैजान को आप कर लें फॉलो इंस्टाग्राम पे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, और अगर अच्छा लगे तो मुझे भी कर लें, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो है ना पैसे पूरे करते हैं, आपकी मोहब्बत प्यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंस्टाग्राम पे बाकी पिक्चर्स चेक कर लीजिएगा, बैटरी अनफॉर्चुनेटली हो गई है कम, तो हम मिलते हैं आप, जब तक चल रही है बैटरी तब तक चलाते हैं। हाँ जी, चार्ज पूरा हो गया, कौन सा नहीं, वो दरख्त आ रहे हैं ना बीच में, वो बड़े अच्छे शॉट आए यार। बहुत प्यारा शॉट है, वो आ जाए ISO 200 f/8 और 15। टाइम हमने ये देखना है कितनी देर में हमारा वो एक पूरा हो रहा है, 15 सेकंड ही लगे थे, हालांकि लेट शुरू किया था फिर भी पूरा हो गया था। चला चले हम, लो जी फैजान ने पीनी है कड़क ढाबे वाली चाय, क्योंकि GoPro हो गया है बंद। रुके ना ये फ्लो जाने, हिप हॉप टेस्ट मेरे नंबर पूरे सो जाने, मेरे साथ में जो बैठे वो हैं ब्रो जाने, एक साल में मैं पहुंचा अंदर तो जाने। ओ काम हो गया है।